टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क की कार, जिसे हाल ही में स्पेस एक्ट रॉकेट के परीक्षण उड़ान के एक हिस्से के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा गया था, वो अंततः धरती या शुक्र ग्रह से टकरा जाएगी। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के असिस्टेंट प्रोफेसर हेनो रीन ने कहा है कि ये धरती या शुक्र ग्रह से टकरा सकती है, लेकिन इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा होने की आशंका अगले 10 लाख सालों में भी बहुत कम है। इस कार को 6 जनवरी को स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी परीक्षण उड़ान के लिए पेलोड के तौर पर भेजा गया था। पेलोड अंतरिक्ष यान के उड़ान भरने के लिए उसके द्वारा उठाया जाने वाला जरूरी भार है। रॉकेट परीक्षण उड़ानों में आमतौर पर डमी पेलोड को भेजा जाता है, लेकिन स्पेस एक्स के आविष्कारक ने इसके बजाय अपनी निजी कार टेस्ला रोडस्टर को भेजा था। इस कार में किसी तरह का वैज्ञानिक उपकरण नहीं रखा गया था और इसे अब धरती के समीप की वस्तु के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इस पर नजर रख रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।